हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र और आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये एक आरओ की पावर सप्लाई है जिसको मैंने खोला हुआ है। और यहाँ पर फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो 36 वोल्ट में 2 एम्पियर की पावर सप्लाई है। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा 36 में, यहाँ अब आप देखिए 36 में 2 एम्पियर में यहाँ पर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो 36 है, इस 36 को हम 30 करने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, इसको हम डाउन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये 30 वोल्ट की पावर सप्लाई बनेगी फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं एक बार इसकी वोल्टेज आपको चेक कराता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पावर को ऑन कर दिया है, अब इसकी वोल्टेज है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर ये जो वोल्टेज है, यहाँ शॉर्ट हो गया, तो यहाँ हम इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ आप देख सकते हो वोल्टेज आ रही है 36, यानी कि बिल्कुल फिक्स वोल्टेज आ रही है। यहाँ पर 36 वोल्टेज आ रही है, बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको 30 वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए पहले इसको सर्किट को समझना होगा कि ये सर्किट हमारा किस टाइप से बना हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, मैंने आपको ये पावर सप्लाई कैसे काम करती है वो सब मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें मैंने आपको सिखाया। यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं एक बार दोबारा से आपको रिवाइज़ करा देता हूँ कि ये हमारी पावर सप्लाई किस टाइप से काम करती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हो कि एसी वोल्ट यहाँ से इनपुट हो रहा है, डीसी वोल्ट हमारे यहाँ से आउटपुट हो रहा है। एसी वोल्ट फ्रेंड्स यहाँ ये एनटीसी के थ्रू, यहाँ पर ये कोइल के थ्रू यहाँ आ रहा है, ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। ब्रिज रेक्टिफायर से जो एसी वोल्ट है वो यहाँ पर डीसी में कन्वर्ट होगा, और डीसी के बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर ये आप देख सकते हो बड़ा कैपेसिटर है यहाँ पर आएगा। ये एक यहाँ पर कैपेसिटर से यहाँ पर 300 वोल्ट यहाँ पर बन जाते हैं, और डीसी जो वोल्ट होती है वो जाती है फ्रेंड्स हमारी आईसी में। आईसी स्विचिंग होती है, स्विचिंग होने के बाद में ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है, इसमें फ्रेंड्स दो कोइल होती हैं, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो प्राइमरी कोइल होती है वो यहाँ पर होती है, सेकेंडरी कोइल इस साइड में होती है। तो जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर स्विचिंग यहाँ पर आएगी, तो यहाँ पर सेकेंडरी में कुछ वोल्ट बनेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जब वोल्ट बनते हैं, तो यहाँ पर इसमें वोल्टेज जब बनेंगे यहाँ पर इस साइड में, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आप देख रहे हो दो रजिस्टर लगे हैं, और दो रजिस्टर के बाद में यहाँ पर कुछ कंपोनेंट साइड में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो कंपोनेंट हैं, ये फ्रेंड्स ये आईसी को फीडबैक देते हैं। फीडबैक क्या देते हैं, ये आईसी को बताते हैं कि यहाँ पर जो वोल्टेज बन रहे हैं वो हमारी जो पावर सप्लाई यानी कि 36 है। तो यहाँ पर जैसे ही 36 होंगे, तो यहाँ पर ये आईसी को बता देंगे, ये जो दो कंपोनेंट हैं इनके थ्रू यहाँ पर पता लग जाएगा आईसी को कि हमारा 30 वोल्ट बन चुका है। और वहीं से फ्रेंड्स ये जो हमारी आईसी है, आईसी की स्विचिंग है वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारी जो ये पावर सप्लाई है काम करती है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक आप देख सकते हो, ये दो कंपोनेंट है, ऑक्टो कपलर और जीना डायोड। ये जीना डायोड की तरह ही काम करता है। जैसे हमारा जीना डायोड होता है फ्रेंड्स, उसमें जैसे 9 वोल्ट होती है या 4 वोल्ट या जितने वोल्ट का जो जीना डायोड होता है, तो उससे पहले जो वोल्टेज होती हैं वो अगर उस पर दी जाएँ तो जो हमारा आउटपुट है वो नहीं निकलेगा। और जैसे ही जो वोल्टेज है यानी कि 3 वोल्ट से ऊपर की जो वोल्टेज हम उसमें देंगे, तो हमें वहाँ पर जो 4 वोल्ट देते हैं तो हमें 1 वोल्ट का ड्रॉप मिलता है, और हमें 3 वोल्ट वहाँ पर हमें आउटपुट मिल जाता है। ऐसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर है, इसमें भी एक रेफरेंस पॉइंट होता है। रेफरेंस पॉइंट पर फ्रेंड्स फिक्स वोल्ट होती है, 2.5 का रेफरेंस यहाँ पर देना होता है। तो यहाँ पर जब 2.5 का रेफरेंस जब इसको मिल जाता है, तो यहाँ पर जो एनोड कैथोड दो और टर्मिनल होते हैं, तो उसमें जो हमारा वोल्टेज है वो फ्लो होने लग जाता है। तो ये फ्रेंड्स कुछ इस टाइप से काम करता है। तो यहाँ पर जब 2.5 वोल्टेज है वो कैसे मिलेंगे, वो हमें यहाँ पर मिलेंगे आउटपुट से। आउटपुट में कैसे मिलेंगे, यहाँ पर एक ये जो है यहाँ पर एक रजिस्टर के थ्रू डिवाइडर बना हुआ होता है। यहाँ आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊं तो दो रजिस्टर यहाँ लगे हुए हैं और एक रजिस्टर ये लगा हुआ है। और ये जो रजिस्टर है ये एलईडी के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर ये एलईडी के लिए, यानी कि जैसे ही हमारी पावर ऑन होगी तो यहाँ पर एलईडी जलेगी, तो एलईडी के लिए फ्रेंड्स ये रजिस्टर लगाया हुआ है। और ये लोड रजिस्टर लगा हुआ है ये वाला। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो पैरेलल इसलिए लगाया है कि यहाँ पर जब ये सर्किट को बनाया होगा, तो जो कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आई होगी, वो वैल्यू का मार्केट में अगर सेम रजिस्टर की वैल्यू का नहीं मिलता है, तो पैरेलल लगा के वो वैल्यू को बनाया जाता है। तो यहाँ पर सेम वैल्यू का रजिस्टर ना मिलने की वजह से यहाँ पर इसको पैरेलल में बनाया गया है। और यहाँ पर एक और रजिस्टर है, ये सेम है, तो इसलिए यहाँ पर इसको बनाया है। तो यहाँ पर ये पैरेलल में ये जो है ये किस टाइप से काम करते हैं, ये कैसे काम करता है, इसके लिए हम थोड़ा सा थ्योरी पे जाएंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो आप देख रहे हो TL431, तो इसको रेफरेंस वोल्टेज चाहिए 2.5 की, यानी कि इसको 2.5 की वोल्ट को रेफरेंस चाहिए। जब यहाँ पर 2.5 वोल्ट यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारा यहाँ पर फ्रेंड्स आगे वोल्टेज है, आगे फ्लो होगा और ऑक्टो कपलर ऑन हो जाएगा। और जैसे ही ऑक्टो कपलर ऑन होगा, तो हमारा आईसी है उसको पता लग जाएगा कि यहाँ पर 36 वोल्ट बन चुका है। तो यहाँ पर ये जो डिवाइडर बना हुआ है रजिस्टर का, तो वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है कि एक ये पॉजिटिव है, एक रजिस्टर यहाँ लिया और दूसरा रजिस्टर यहाँ लिया और इसको कर दिया ग्राउंड, और ये हमारा हो गया पॉजिटिव और ये हमारा हो गया नेगेटिव। अब यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर वोल्टेज जब बनी,
तो ये डिवाइडर में यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो दो डिवाइडर है, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है यहाँ पर कैलकुलेशन करके इसको 2.5 पे सेट किया है। अब जब 2.5 यहाँ पर जब वोल्टेज यहाँ पर जब 36 वोल्टेज क्रिएट हो जाएगा तो यहाँ पर जैसे डिवाइडर बना हुआ है तो यहाँ पर 2.5 वोल्टेज आ जाएगा। 2.5 वोल्टेज आते ही यहाँ पर जो आगे हमारा ये आप TL431 है ये एक्टिवेट हो जाएगा और आगे हमारा करंट ये जो है आगे ऑप्टोकपलर काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर डिवाइडर कुछ इस टाइप से बनाए हैं। अब इनकी जो वैल्यू है इसको वैल्यू को ही चेंज करके हम हमारा 30 वोल्ट बनाने वाले हैं, यानी कि ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। अब यहाँ पर हमें फ्रेंड्स ये 36 के लिए यहाँ पर ये जो दो ये तीन रजिस्टर हैं इनको लगाया गया है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हो दो जो पैरेलल रजिस्टर है ये R1 हो गया और ये जो है ये R2 हो गया ये वाले। तो हमें R2 और R3 की ये जो सॉरी R1 और R2 की वैल्यू को हम चेंज करके हम हमारे यहाँ पर 36 से 30 वोल्ट लाने वाले हैं। अब ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि यहाँ पर हम इसको 12 वोल्ट की सप्लाई बना दें या 6 वोल्ट की सप्लाई बना दें इनको कैलकुलेशन करके, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप 4-5 वोल्ट का डिफरेंस ले सकते हो क्योंकि यहाँ पर 36 वोल्ट है, तो यहाँ पर हम मैं 6 वोल्ट का यहाँ पर रेफरेंस है ले रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर 6 वोल्ट को ही डाउन कर रहा हूँ। वो भी मेरे को फ्रेंड्स एक बार देखना होगा कि यहाँ पर ये सप्लाई है बिल्कुल काम करेगी कि नहीं करेगी। यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो स्विचिंग करती है तो उसको भी फ्रेंड्स यहाँ पर इसके जो ड्यूटी साइकिल है वो इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो इसको एक बार हमें चेक करना पड़ेगा कि 30 वोल्ट पर ही हमारी सही से काम करेगी कि नहीं करेगी। अगर यहाँ पर ये जो सिस्टम से ये जो दिख रहा है ये यहाँ पर फीडबैक बन रहा है, अगर फीडबैक से यहाँ पर 30 वोल्ट में सही से काम नहीं करती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है इसमें जो कोइल लगी होती है उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप कोई सी भी अगर सप्लाई है यानी कि अगर जैसे 12 वोल्ट की सप्लाई है तो उसको 10 में या फिर 13 या 14 वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, 9 वोल्ट की है तो उसको 2 या 3 वोल्ट को आगे पीछे हम कर सकते हैं इस थ्रू यानी कि फीडबैक के थ्रू। यहाँ पर हमें कैलकुलेशन R1 और R2 की यानी कि रजिस्टर की करनी है। रजिस्टर के लिए हमें ओम्स लॉ पता होता है, तो ओम्स लॉ जो होता है उसका जो फॉर्मूला है वो होता है V बराबर में IR। तो ये फ्रेंड्स जो फॉर्मूला है इसकी मदद से हमें रजिस्टर की कैलकुलेशन मिल जाएगी। यहाँ पर जो रजिस्टर है इसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर हमें करना है 36 से 30 वोल्ट पे, तो ये जो कैलकुलेशन करनी है बहुत ही ईजी है फ्रेंड्स यहाँ पर। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो TL431 जो इसको रेफरेंस वोल्टेज चाहिए वो है हमारा यहाँ पर 2.5, और फ्रेंड्स इसका जो एम्पियर है यानी कि ये जो कितना एम्पियर लेता है तो इसका फ्रेंड डाटा शीट में आप जाके देख सकते हो 10 मिली एम्पियर इसका मैक्सिमम है, मिली एम्पियर ये यहाँ पर लेता है, ये इसका फ्रेंड्स हाई मैक्सिमम वाला है। तो हम इसको 5 में ले लेते हैं यानी कि इसका आधा ले लेते हैं, आधे एम्पियर में इस पर ले लेते हैं। अब इस पर यहाँ पर ये 2.5 इसको चाहिए यानी कि हमें फ्रेंड्स यहाँ पर जो आउटपुट में लेना है आउटपुट में फ्रेंड्स हमें 5 मिली एम्पियर तो हमें यहाँ पर लेना है इस पॉइंट पे, और वोल्ट कितनी लेनी है, वोल्ट लेनी है 2.5, यानी कि हमें जो ये पॉइंट है इस पॉइंट पे 2.5 तो वोल्ट चाहिए और एम्पियर चाहिए वो चाहिए हमें 5 मिली एम्पियर। अब हमें दो चीज़ हमारे पता है यहाँ पर कि हमें क्या चाहिए और हमारे पास क्या नहीं है। यहाँ पर हमें रजिस्टर नहीं पता कि हमें कितने रजिस्टर चाहिए। अब यहाँ पर रजिस्टर की वैल्यू के लिए हमारे पास ये है ये फॉर्मूला, टोटल वोल्टेज हमारी कितनी है 30 वोल्ट। तो पहले हम टोटल रजिस्टर निकाल लेते हैं यानी कि R1 प्लस R2 यानी कि हमारे टोटल रजिस्टर निकाल लेते हैं। टोटल रजिस्टर निकालने के लिए वोल्टेज हमारी कितनी है, वोल्टेज फ्रेंड्स हमारी है यहाँ पर 30। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एम्पियर कितना है, एम्पियर यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा 5 मिली एम्पियर है। अब ये 5 मिली एम्पियर है फ्रेंड्स, अब मिली एम्पियर को फ्रेंड्स यहाँ पर एम्पियर में करेंगे यानी कि यहाँ पर मिली एम्पियर है, यहाँ पर ये जो आई होता है ये एम्पियर में होता है यहाँ पर, यानी कि इसको एम्पियर में इसकी वैल्यू होती है। तो जैसे ही यहाँ पर इसको एम्पियर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि इसको 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये इंटू में आर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर आर है। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन में हम इसको करते हैं तो मिली एम्पियर को कन्वर्ट करने के लिए ये 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटू में आर हो गया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आर निकालने के लिए ये जो गुना है गुना को जब हम यहाँ पर लेके आएंगे इस साइड लेके आएंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 30 अपॉन में 0.005। अब ये फ्रेंड्स टोटल आर हो गया यानी कि यहाँ से और यहाँ तक ये टोटल आर हो गया ये। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर 30 में डिवाइड करेंगे हम 0.005 इज इक्वल टू फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा 6000, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है 6000 R, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 6000 ओम का रजिस्टर
यहाँ पर टोटल है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर 6 किलो ओम का, 6 किलो ओम का रजिस्टर हमें चाहिए टोटल, यानी कि टोटल रजिस्टर यहाँ से यहाँ पर हमें चाहिए 6 किलो ओम का। अब फ्रेंड्स हमें एक चीज़ यहाँ पर देखनी है, यहाँ पर टोटल फ्रेंड्स 6 किलो ओम का रजिस्टर हो गया, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट में डिवाइड करना है वोल्टेज को, यानी कि हमें 2.5 वोल्टेज हमें यहाँ पर सेंटर में चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है यहाँ पर 2.5 आएगा, तो इस रजिस्टर के लिए जो वोल्टेज रहेगी वो कौन सी रहेगी, वो रहेगी 2.5, यानी कि R2 के लिए 2.5 यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर 30 में से 2.5 तो यहाँ पर आ गया, तो ये जो रजिस्टर है इसके लिए यहाँ पर वोल्टेज कितनी रहेगी, तो यहाँ पर 2.5 में से 30 को हम लेस कर देंगे, तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर है इसके लिए जो वैल्यू रहेगी वोल्टेज की वो रहेगी 27.5। आयो फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जब हमारा 30 वोल्ट हो जाएगा इस वाल यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव पे जब हमारा 30 वोल्ट क्रिएट हो जाएगा तब हमें यहाँ पर 2.5 मिल जाएगा। अगर 30 से कम रहेगा तो हमें यहाँ पर 2.5 नहीं मिलेगा, और जब हमें 2.5 नहीं मिलेगा तो हमारी IC एक्टिवेट नहीं होगी, यानी कि ये TL5437 ये जो है 4431 है वो यहाँ पर 2.5 पे ही एक्टिवेट होगा, ये मान के चलो। तो यहाँ पर जब वोल्टेज कम रहेंगे तो ये 2.5 से कम रहेगा, और जब कम रहेगा तो एक्टिवेट नहीं होगा, और जब जैसे ही हमें यहाँ पर 30 वोल्ट मिल जाएंगे तो यहाँ पर ये 2.5 मिल जाएगा। तो R1 और R2 के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन फ्रेंड्स, तो हमें ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला को जैसे मैंने यहाँ पर इसको रिवर्स किया तो हम सीधा फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो हमें जो सीधा फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा वो बनेगा V/IR, R=V/I, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूला में फ्रेंड्स हमें V यानी कि वोल्टेज पता है और एम्पियर पता है, R हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन में R1 बराबर हो जाएगा 27.5, ये पॉइंट यहाँ नहीं रहेगा, 27.5/0.005, और इसको हम करते हैं 27.5 में डिवाइड करना है 0.005, यानी कि 5,500 यहाँ पर हमें कैलकुलेट में मिल रहा है, यानी कि हमारा जो R1 है वो हमें मिल गया 5,500, यानी कि इसको हम किलो में निकालेंगे तो 5.5 किलो ओम का रजिस्टर हमें यहाँ पर चाहिए, यानी कि R1 हमारा 5.5 किलो ओम का हो गया। अब हमें R2 निकालना है, R2 हमें यहाँ पर निकालना है, तो R2 का फ्रेंड्स यहाँ पर 2.5 हमें चाहिए वोल्टेज, एम्पियर हमारा सेम रहेगा, और इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 500, और ये रहेगा ओम। अब इसको फ्रेंड्स यहाँ पर किलो ओम तो है नहीं है फ्रेंड्स, 1000 में किलो ओम होता है 1 किलो ओम का, लेकिन ये हमें आधा किलो ओम का रजिस्टर चाहिए। तो अब यहाँ पर फ्रेंड्स दो वैल्यू आ गई हैं, 5.5 और 0.5 किलो ओम, यानी कि 0.5 किलो ओम यहाँ पर दो रजिस्टर की वैल्यू हमें यहाँ पर मिल गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5.5 के लिए तो ये मेरे पास एक रजिस्टर है, और 0.5 यानी कि 500 ओम का रजिस्टर मेरे पास नहीं है, तो ये 470 ओम का रजिस्टर है, यानी कि 30 ओम यहाँ पर कम है, तो ये एक रजिस्टर है। तो ये दो रजिस्टर को हम लगा के देखते हैं कि हमारा जो कैलकुलेशन है, और जैसा कि हमें पता है कि TL431 कैसे काम करता है, अगर जैसा कि हमें पता है वैसा अगर यहाँ पर काम करता है तो हमें यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमें 30 वोल्ट यहाँ पर मिलनी चाहिए, यानी कि 30 के आसपास हो, बट 30 बिल्कुल एग्जैक्ट भी ना हो तो आसपास हमें वोल्टेज यहाँ पर मिलनी चाहिए, यानी कि वोल्टेज जो 36 है वो हमें डाउन करके यहाँ पर 30 आसपास वोल्टेज मिलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ पर ये जो है रजिस्टर्स नहीं है। तो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर है ये आप देख सकते हो 5.4849 यहाँ पर आ रहा है, तो ये तो बिल्कुल फिर भी एग्जैक्ट टाइप है, लेकिन हमारा यहाँ पर 500 जो है, 500 की जगह हमारे पास जो रजिस्टर है वो है 462 ओम का, यानी कि यहाँ पर 400 ओम यहाँ पर कम है, 400 नहीं सॉरी 40 ओम यहाँ पर रजिस्टर कम है, 40 ओम इसमें कम है, तो हम इतना मैनेज कर पाएंगे फ्रेंड्स यहाँ पर। तो एक बार देखते हैं फ्रेंड्स ये दो है रजिस्टर, इन दोनों रजिस्टर को हमें चेंज करना है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये दो रजिस्टर और ये दो रजिस्टर हैं इनको चेंज करना है। तो फ्रेंड्स अगर आपको नहीं पता कि कौन से रजिस्टर यहाँ पर चेंज करने हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बार इसकी जो डाटा शीट है उसमें इसके पिनआउट जरूर चेक करें, पिनआउट की मदद से फ्रेंड्स यहाँ पर पिनआउट को ट्रेस करना है, यानी कि बैक साइड में ट्रेस करना है। अब ट्रेस करना है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव फ्रेंड्स यहाँ पर जा रहा है, तो नेगेटिव तो ये हो ही गया। अब ये दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि ऑक्टोकोप्लर में जा रहा है, तो यहाँ पर रजिस्टर है ही नहीं।
अब रजिस्टर हमारे पास ये तीसरे वाले पॉइंट है, इसी में ही हमारा हमारे पर दो रजिस्टर है ये है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ये एक सर्किट टाइप है, यानी कि यहाँ पर एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में दो रजिस्टर रहेंगे। यहाँ पर ये सीरीज़ में पैरेलल में रजिस्टर आपको मिल सकता है, सीरीज़ में तो ये ऑलरेडी है, यानी कि यहाँ पर ऑल पैरेलल में यहाँ पर रजिस्टर आपको मिल सकते हैं, लेकिन अगर काफ़ी जगह यहाँ पर नहीं भी मिल सकते तो वो आपका कोई बड़ा इशू नहीं है। तो यहाँ आप देख सकते हो पॉजिटिव में और नेगेटिव में रजिस्टर मिलेंगे, और सेंटर पॉइंट में हमारा यहाँ पर TL431 की एक पिन है वो मिलेगी। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा आप देख रहे हो ये हमारा पॉजिटिव हिस्सा है, और ये जो है ये हमारा नेगेटिव हिस्सा है आप देख सकते हो। अब यहाँ पर ये जो है ये वाली पिन जो लास्ट की पिन है ये इसकी रेफरेंस पिन है। तो ये जो रेफरेंस पिन है यहाँ पर आप देख सकते हो रेफरेंस पिन में ये दो रजिस्टर यहाँ लग रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो तीन पॉइंट हैं जिसमें से एक ये हो गया और ये दो इसके हो गए, तो ये जो है यहाँ पर मिल रहे हैं यहाँ आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हो कि ये दो रजिस्टर के ये जो पॉइंट हैं ये जो दो पॉइंट दिख रहे हो ये ग्राउंड के साथ हैं, और इसका ये जो दो पॉइंट ये वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव के साथ है, और ये जो दो ये तीन पॉइंट यहाँ दिख रहे हैं ये आपस में टच होके यहाँ पर ये आप देख सकते हो ये आपस में ये तीनों के तीनों पॉइंट टच हैं, और ये जो तीनों पॉइंट हैं यहाँ पर ये IC में जा रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 2.5 मिल रहा है। अब इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि यहाँ पर 2.5 ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने पावर इन कर दिया है, ग्राउंड हमारा ये है तो हम ग्राउंड पर ये ले लेंगे। अब हमारा जो वोल्टेज है वो वोल्टेज पे हमें एक बार मीटर को सेट कर देते हैं। अब हमारा फ्रेंड टोटल वोल्टेज कितना है ये ग्राउंड से, ये आप देख सकते हो 35.8 करके यहाँ पर वोल्टेज आ रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये जो है ये आप देख सकते हो नेगेटिव ही आ रहा, तो नेगेटिव से इसकी जो थर्ड नंबर पिन ये है थर्ड नंबर पिन पर हम टच करते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हो फिक्स 2.5 यहाँ पर वोल्ट आ रहा है यहाँ आप देख सकते हो। अब यहाँ पर 2.5 हमें रेफरेंस देना है। अब रेफरेंस के लिए हमें रजिस्टर चेंज करेंगे तो हमारे जो आउटपुट की वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी, यानी कि अब फ्रेंड्स हम इसको थोड़ा सा क्या करने वाले हैं कि अब यहाँ पर जैसे ही 30 वोल्ट आएगा 30 वोल्ट आते ही फ्रेंड्स यहाँ पर 2.5 वोल्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाना चाहिए। यहाँ पर पहले फ्रेंड्स अब 36 पे यहाँ पर 2.5 आ रहा था, अब हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करके जो हमने रजिस्टर की वैल्यू निकाली है वो रजिस्टर की वैल्यू निकाल के 30 वोल्ट पे ही हमें यहाँ पर 2.5 हमें क्रिएट हो जाएगा मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार हम ये जो रजिस्टर है इनको चेंज कर देते हैं, तो फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो इसलिए मैं चेंज करने वाला वीडियो कट कर रहा हूँ, और आपको डायरेक्ट यहाँ पर एक बार मैं ये दो रजिस्टर हैं इनको लगा के फिर चेक कराता हूँ, और चेक करा के देखते हैं कि फ्रेंड्स हमारा 30 वोल्ट आता है या नहीं आता है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ये जो रजिस्टर थे इसमें से लग रहे थे ये वाले रजिस्टर ये पैरेलल में लग रहे थे और ये अलग सीरीज़ में लग रहा था ये कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पर ये जो रजिस्टर हैं वो तो हमने निकाल दिए हैं, ये 36 के लिए थे फ्रेंड्स तो ये हमने निकाल दिए हैं। इसके जगह फ्रेंड्स मैंने ऊपर से ही यहाँ पर आपको दिखाने के लिए ऊपर से ही मैंने यहाँ पर ये रजिस्टर्स लगाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो है ये हमारा 5.5 का है, यहाँ पर यह आप देख सकते हो 5.5 का जो ऊपर लगेगा यानी कि R1 में लगेगा, यानी कि ये पॉजिटिव में और यहाँ पर रेफरेंस वोल्टेज में लगेगा। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है पॉजिटिव में लगा दिया, और रेफरेंस के लिए यहाँ पर लगा दिया इस वाले में यानी कि ये फर्स्ट वाले पिन में। और ये जो 470 का है ये नीचे वाले में लगेगा तो ये ग्राउंड में लगेगा, और यहाँ पर ये रेफरेंस वाले पिन में लगेगा। तो ये हमने ग्राउंड में लिया और ये रेफरेंस पॉइंट यानी कि यहाँ पर ये दोनों पे सीरीज में यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये फ्रेंड जैसा हमने यहाँ पर जाना वैसे ही हमने यहाँ पर ये रजिस्टर लगा दिया है। अब इसकी फ्रेंड्स करते हैं वोल्टेज चेक। यहाँ पर फ्रेंड्स पहले आ रही थी 36 वोल्ट, आपको मैंने चेक किया था। अब फ्रेंड्स अब इसको चेक करते हैं, ये कैलकुलेशन फ्रेंड्स अगर हमारी सही है तो यहाँ पर जो वोल्टेज है जो 36 के जगह 30 वोल्ट यहाँ पर आनी चाहिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं इसको एक बार पावर ऑन कर देता हूँ, और यहाँ मैंने ये पावर ऑन कर दिया है। वोल्टेज यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो लाइट है वो हमारी आ गई है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मीटर में हम इसकी वोल्टेज को चेक करते हैं। तो ये मेरा मीटर रहा, यहाँ पर ये हमने 200 पे सेट कर दिया क्योंकि ये 30 से ऊपर है तो 20 पे नहीं कर सकते। और इसके बाद में फ्रेंड्स 30 वोल्ट है यानी सेफ है, तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस टाइप से टच करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है वो बिल्कुल सही है, 30 वोल्ट पे हमने इसको कैलकुलेट किया था, और यहाँ आप देख सकते हो बिल्कुल सही यानी कि 30.6 वोल्ट यानी कि बिल्कुल यहाँ पर एग्जैक्ट हमारा जो कैलकुलेशन करके आया था वही आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल भी गड़बड़ नहीं है। यानी कि फ्रेंड्स हमारी जो ये कैलकुलेशन है बिल्कुल ओके कैलकुलेशन है, और यहाँ पर ये रजिस्टर है वो भी बिल्कुल सही लगा दिए। और अब यहाँ पर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो 36 वोल्ट थी उसको हमने 30 में कर दिया, और अब यहाँ पर हम यहाँ पर इसकी मदद से ये जो बक कन्वर्टर है उसको हम चलाएंगे, और इसको लगा के फ्रेंड्स हम एक बेंच पावर सप्लाई है वो हम बनाएंगे। यहाँ पर जो बेंच पावर सप्लाई है फ्रेंड्स वो बहुत ही महंगी आती है, यहाँ आप देख सकते हो 6 से 7 हज़ार रुपये की आती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो सारे बेंच पावर सप्लाई में जो सारे फीचर्स है वो हम यहाँ पर हमारी बेंच पावर सप्लाई में बनाएंगे।